आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दसों एविएशन के रफाल फाइटर जेट के बारे में। कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 एडिशनल रफाल खरीदने के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है और क्या सच में भारतीय वायुसेना 36 और रफाल खरीद रही है। ये चीज हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को 110 और रफाल जैसे फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और इस चीज को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से RFI काफी पहले रिलीज किया गया था। शुरुआत में माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को लेकर काम इसी साल शुरू किया जाएगा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जिसको कई जगह पर MMRCA 2 या MFRA कहा जाता है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इस प्रोजेक्ट में और भी ज्यादा डिले हो रही है। वायुसेना के लिए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा जरूरी है और उनको कुछ और रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। आइडियली भारतीय वायुसेना को इस कैटेगरी में 110 नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना इस रिक्वायरमेंट को बैचेस में कंप्लीट कर सकती है और इसी वजह से ये 36 रफाल का जो नंबर फ्लोट किया गया है, ये एक इसी तरीके की कोशिश है। अभी ये जो रिपोर्ट आ रही है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 और रफाल को लेकर पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना भी ये चीज मान चुकी है कि MMRCA 2 या MFRA आगे नहीं बढ़ने वाला है। और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्रूशल है, इस वजह से भारतीय वायुसेना इस रिक्वायरमेंट को बैचेस में पूर्ण करने की कोशिश करेगी। अभी के लिए 36 और रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं और जिस स्पीड से फ्रांस की तरफ से इन रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरी की जा रही है, उससे ये माना जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के पूरे 36 रफाल जो कि पहली लॉट के तहत आने वाले हैं, वो इस साल के अंत तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और अगर इस बीच भारतीय वायुसेना पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद में 36 और रफाल का ऑर्डर दे देती है, तो ये रिक्वायरमेंट आने वाले 2 से 3 साल में कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर ये एडिशनल 36 रफाल फाइटर जेट की रिपोर्ट को ध्यान से समझा जाए, तो ये न्यूज ब्रेक इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उनेथन की तरफ से दी गई है। और संदीप उनेथन भारत के सबसे रेस्पेक्टेड डिफेंस जर्नलिस्ट में से एक हैं। आपको याद होगा शुरुआती दौर में INS अरिहंत को लेकर जो न्यूज ब्रेक की गई थी, वो भी संदीप उनेथन की तरफ से की गई थी। इसके अलावा S4 क्लास की 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, इस चीज को लेकर भी न्यूज ब्रेक संदीप उनेथन की तरफ से ही की गई थी। यानी कि उनकी तरफ से जो न्यूज ब्रेक की जाती है वो काफी हद तक रिलायबल न्यूज होती है। और अब जब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट्स को लेकर पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर भारतीय वायुसेना यह प्रपोजल लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में पहुंचेगी। और एक बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस चीज को अप्रूवल दे दिया जाएगा, उसके बाद ये एडिशनल 36 रफाल को लेकर कमर्शियल नेगोशिएशन शुरू किया जाएगा। और एक बार जब सही प्राइसिंग भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगा और उनके अप्रूवल के बाद में ये फाइनल डील साइन कर ली जाएगी। शुरुआती दौर में भारतीय वायुसेना की तरफ से जो पहले लॉट में 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए गए थे, इस डील के तहत भारतीय वायुसेना ने परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स, वेपन्स, स्पेयर्स, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। और इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए केवल 36 रफाल के ऊपर इस डील को खत्म कर देना इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत सही ऑप्शन नहीं होगा। और अब जब ये 36 एडिशनल रफाल जेट्स को लेकर बातचीत चल रही है, उस हिसाब से ये चीज कही जा सकती है कि ये जो सेकेंड लॉट में रफाल फाइटर जेट्स आएंगे, ये पहली लॉट की तुलना में सस्ते होंगे। और क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास में पहले से ही रफाल फाइटर जेट के ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होगा, उस वजह से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की क्षमता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। हालांकि अगर आप संदीप उनेथन की रिपोर्ट को ध्यान से समझते हैं, तो उनके तरफ से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इन फाइटर जेट्स को अक्वायर करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि शुरुआती पेपर वर्क पर अभी काम शुरू किया गया है और फाइनल डील होते होते लगभग 1 से 1.5 साल हो जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय वायुसेना ये जो एडिशनल सेकेंड लॉट में फाइटर जेट अक्वायर करने वाली है, क्या ये F3R स्टैंडर्ड्स के होंगे या इम्प्रूव्ड F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स होंगे। ये सारी डिटेल्स जब भारतीय वायुसेना या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली इस चीज पर कुछ कहा जाएगा, तभी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए केवल इतना कहा जा सकता है कि ये मूवमेंट राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है और अगर चीजें सही तरीके से होती हैं, तो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।